बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैसा हो जब आपकी मॉर्निंग, आपकी इवनिंग और आपकी नाइट हैप्पी हो? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, कहते हैं कि अगर भगवान ने हमें दर्द दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी दवा भी दी है। किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को तनाव यानी कि स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि योग हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम योग करते हैं तो हमारी जिंदगी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गायब हो जाती हैं, यानी कि हमारा स्ट्रेस, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, योग गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ओम प्रकाश शर्मा जी, आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम तनाव को लेकर बात करें तो तनाव के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन उसकी असली परिभाषा क्या है? लोगों को यही नहीं पता कि आखिरकार तनाव है क्या। हाँ, पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी योग दर्शकों को मेरा प्रणाम। अब हम चर्चा करते हैं तनाव के ऊपर। देखिए, तनाव एक आज की जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है जी। इस तनाव को हमारी जिंदगी से हम हटा नहीं सकते हैं पूरी तरह से। हाँ, लेकिन उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि हम उस तनाव में रहते हुए भी, तनाव की स्थितियों में रहते हुए भी तनाव में ना रहें। तो तनाव की एक पर्टिकुलर आप डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि तनाव व्यक्ति व्यक्ति पर अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं। तो एक साधारण इसकी डेफिनेशन दें और कहें इसके बारे में तनाव क्या है, तो ये एक डिमांड और एबिलिटी के बीच का एक डिफरेंस है जी। कि आपको आपकी एबिलिटी है और आपके सामने डिमांड्स है। अभी आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, आपके सामने नॉर्मल डिमांड्स आ रही है और आप उसको पूरा कर रहे हो, लेकिन कभी एक इमरजेंसी होती है और आपके सामने बहुत सारी डिमांड्स आ जाती है कि आपको ये काम करने हैं, तो उस टाइम पे आपकी एबिलिटी तो पहले जितनी थी, यानी कि लिमिटेड एबिलिटी है आपकी, लेस, उस लेस एबिलिटी के साथ उस जो हायर लेवल की जो डिमांड्स आई है उसके साथ आपको कैसे काम करना है, डील कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उस टाइम पे जो सिचुएशन पैदा होती है वो तनाव की स्थिति होती है। कि आपके दिमाग से शुरू होता है, माइंड से, आपकी प्राण शक्ति के साथ चलता है, आपकी लाइफ फोर्स के साथ, जिसके साथ हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर लाइफ नहीं है तो हम खत्म है, और फिर वो सेटल होता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर और अपेयर होता है डिजीज के रूप में, जो लाइफ स्टाइल डिजीज हम जैसे बोल सकते हैं, कई तरह की फिर समस्याएं हमारे सामने आने लगती है, साइकोसोमेटिक डिजीज जिन्हें हम बोलते हैं, मनोकायिक बीमारियां। तो ये एक तनाव की हम परिभाषा दे सकते हैं इस तरह से जी। नॉर्मल लाइफ जो है वो लोग आजकल जी नहीं पा रहे हैं, इसका क्या रीजन आप मानते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि हमने एक तरफा जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, एक भौतिकतावादी में ही हम घुसे हुए हैं जी। अगर हम भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी हमारे जीवन में लेकर आएंगे तो आप निश्चित मान के चलिए आप अपने आप ही समझने लगोगे कि मेरी जरूरतें क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। तो भौतिकता के साथ साथ अगर आध्यात्म को हमारे जीवन में लेकर आए, आध्यात्म का तात्पर्य हुआ कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि कहीं अगरबत्ती लेके आप पूजा पाठ करने बैठ गए, ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी। लेकिन प्रॉब्लम आज के वक्त में ये है कि लोग अपने आप को नहीं जानते, दूसरे को जानने में ज्यादा लग जाते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये कह सकते हैं कि हर तीसरे इंसान के भीतर आ गया है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है योग जी। योग क्या करता है कि आपको आपके साथ कनेक्ट करता है जी। आपकी होल ओवर पर्सनैलिटी के साथ वो काम करता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ। आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपका बुद्धि कैसे चल रहा है, आपका शरीर कैसा होना चाहिए, अच्छा ये तीनों कोऑर्डिनेट होके कैसे काम करें, ये सब चीजें आप अपने आप ही डेवलप होते हुए देखते हो जब आप योग का अभ्यास करने लगते हो जी। लेकिन उससे पहले हम जैसे कि तनाव की बात ही कर रहे हैं कि तनाव में जब हम आते हैं तो हमें साइकोसोमेटिक डिजीज होने लगती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मनोकायिक बीमारियां। और आज की तारीख में जो मैक्सिमम जो बीमारियां हैं 90% जी, वो इसी तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट से संबंधित ये स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज है ये स्ट्रेस से संबंधित है, इसके अलावा बैक की प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है ये इससे संबंधित है, इसके अलावा जो भी डाइजेशन डिसऑर्डर्स हैं ये हमारे इसी से उत्पन्न होते हैं। तो देखो, जो स्ट्रेस होता है ना, ये क्या करता है कि हमारे हर स्तर को, क्योंकि हम केवल बॉडी नहीं है, एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए, यू आर नॉट ओनली द बॉडी, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप बॉडी भी है, आप माइंड भी है, आप इंटेलेक्ट भी है,
और आप एक स्पिरिट भी है, एक आत्मा भी है, ठीक है ना, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है आप। और जब आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में चलते जाते हैं, बहुत लंबे समय तक आप उसके साथ, आपको पता नहीं है कि किस तरह से डील किया जाए जी, तो वो स्ट्रेस आपके इन सारी पर्सनैलिटीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आपके शरीर को डिस्टर्ब करेगा, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करेगा, आपके इंटेलेक्ट को डिस्टर्ब कर देगा और आपके अंदर आदतों को बहुत ज्यादा गलत वे में बढ़ा देगा जी। जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बहुत लंबे समय के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन सा आ जाएगा। ये आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो कि जो आदमी भी थोड़ी देर पहले आराम से बात कर रहा था, छोटी सी कोई बात हो गई और वो इतनी जोर से भड़क उठता है जैसे कोई ज्वालामुखी आ गया जी, बिल्कुल। तो वो स्थितियां उसमें आने लगती है, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आने लगेगा, आपके साथ अनावश्यक ही अनावश्यक चीजों पे बहस शुरू कर देंगे वो, उन्हें पता नहीं है बहस शुरू कर दी साहब उन्होंने। इसके अलावा अकेलापन वो ज्यादा महसूस करने लगते हैं, अपने आप में अकेला रहना ज्यादा शुरू कर देते हैं। ये तो ये हमारे भावनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगते हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करते हैं। इसके अलावा जो हमारा माइंड के लेवल पर है, हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिस्क्रिमिनेट करना। तो जो माइंड है वो डिसीजन लेने में अक्षम होने लगता है, आपकी डिसीजन पावर बहुत खराब होने लग जाती है। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है स्ट्रेस को लेकर, आदतों को लेकर, जब कई लोग बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका सहारा लेने से उनका तनाव खत्म। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर डिसीजन को लेकर बात की, अगर कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको लगता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर एक ही चीज को वो 10 लोगों से पूछता है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो भी तनाव में है। हाँ, वो कहीं ना कहीं तनाव में जी। हाँ, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी गलत आदतों को अपना लेते हैं, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि बहुत तनाव में होता है तो धूम्रपान शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना। हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि सिगरेट पीने से उनका तनाव चला जाएगा, लेकिन आपको पता है स्मोकिंग बहुत इंजरियस है हमारी हेल्थ के लिए। कुछ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, उससे हमारा बॉडी खराब होता है। कुछ लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम पूरा खराब होता है। कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रेस में रह के वो, उनको पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियसली वो बहुत ओवर ईटिंग हो जाता है उनका हैबिट, कि वो हमेशा खाते ही रहते हैं जी। तो ज्यादा खाओगे तो भी आपका घर कूड़ा घर हो जाएगा। तो नेगेटिविटी को हटाओ तो ये कीड़ा अपने आप चला जाएगा। और योग इसके अंदर बहुत फायदा करता है, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, योग निद्रा है, इनका अभ्यास निश्चित ही आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे जी। और अपने आप ही आप महसूस करने लगे कि जो अभी आपने कहा ना कि जब आप कंफ्यूजन में होते हो तो आप 10 लोगों से सवाल करने जाते हो, आप एक लंबे समय तक योग अभ्यास करने के बाद आप इसका उल्टा पाएंगे आपके जीवन में, कि अब आप 10 लोग आपके पास आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए। तो ये योग का चमत्कार है। चलिए, तो योग का जो चमत्कार है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं और आपसे योग सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी किसी के चेहरे को देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो अपने आप ही आ जाती है। तो आसान से आसन को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि घड़ी की जो सुइयां हैं बड़ी तेजी से चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आसान से आसन पर आ जाना चाहिए। हम 4-5 आसन इसमें जो सिंपल है, जो सब कोई कर सकते हैं, उनको हमें करना चाहिए। जैसे कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, इसके अलावा खड़े होने में वाले एक वृक्ष आसन का, जिससे हमारा बॉडी माइंड दोनों का इससे बैलेंस होता है और आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका ध्यान की स्थिति बढ़ती है जी। इसके अलावा शशांक आसन है, वज्रासन है। शशांक आसन से आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपकी ब्रेन की तरफ बहुत बढ़ता है, वो आप कर सकते हो। आप शवासन कर सकते हो, उससे आपको बहुत तनाव में मुक्ति मिलती है, आपके ब्रेन सेल्स को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, और अभी उनका अगर हम डेमोंस्ट्रेशन करेंगे तो दर्शकों को ज्यादा फायदा होगा देखकर। बिल्कुल, मैं आपको पहले ये एक सूर्य नमस्कार से हम प्रारंभ करते हैं। एक सूर्य नमस्कार करेंगे, और मैं सलाह देता हूँ कि कभी भी आप शुरुआत खुद से ना करें, अपने आप को एक योगा मास्टर के पास ले जाएं जो अच्छे एक्सपर्ट हो, और उनसे पहले सीखें, फिर आप स्वयं बाद में शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार के लिए आप पहले सीधे स्थिति में खड़े हो जाते हैं, और पहले अपने आप को वार्म अप भी कर लीजिएगा, लेकिन समय अभाव है इसलिए हम सीधा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार में आप सीधे खड़े होते हैं, आपकी नमस्कार मुद्रा होती है ताड़ासन की स्थिति में, आप पूरे कमर गर्दन सीधी स्थिति में, ये नमस्कार मुद्रा, यहाँ आप तैयार हैं। आप प्रार्थना और मंत्र उच्चारण से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं जी। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि आपको इसमें थोड़े से पैरों में गैप रखें ताकि आपका संतुलन बना रहे।
पीछे की तरफ जाएंगे, हस्तोत्तानासन इसको हम बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है ये, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग कहेंगे, जितना आप जा सकते हैं ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद आप आएंगे पादस्थासन में, ये स्थिति, अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इतना भी जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा जाए, आपकी ज़्यादा है इतना जाइए जितना आप पूरे हाथ में नीचे तक टिका सकते हो। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपके राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, उसे बोलते हैं ये था पादस्थासन। यहाँ से पूरा पैर पीछे लेके गए, दोनों हाथ और एक पैर एक साथ, इसको बोलते हैं हाशु संचालन की स्थिति, हाशु बोलते हैं घोड़े को जी, इस स्थिति में रहेंगे। और इसके बाद दूसरा पैर भी पीछे लेके जाएंगे और बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, इसको बोलते हैं स्लेंडिंग पोजिशन और तुला आसन, पूरी स्थिति सीधी रहेगी आपकी। यहाँ के बाद आप साष्टांग नमस्कार, जैसे मंदिर वगैरह में हम करते हैं जाते हैं, तो वहाँ पहले घुटनों को टिका देंगे, छाती को, आपकी ठुड्डी को और दोनों हाथों के, यानी कि शरीर के 8 अंग जमीन पर हैं और इस स्थिति में आप हैं। यहाँ से आप भुजंग आसन की स्थिति में आते हैं, धीरे से उठकर और इतना अपने शरीर को उठा लें नाभि तक, और सामने की तरफ देखते हुए कंधों को बाहर खोल के रखें, ऐसे ना करें, ये खोल के कंधे हैं आपके। फिर यहाँ से आप आते हो पर्वतासन की स्थिति में, दोनों पैर के पंजों को अंदर ले लीजिए, इस स्थिति में उठेंगे, आपके हिप्स को ऊपर उठा लेंगे और आपके पैर के पंजों या घुटनों की तरफ देखते हुए स्थिति आपकी रहेगी ये स्थिति, ठीक है, ये हो गया पर्वतासन। यहीं से अब आप वापस हश्व संचालन की स्थिति में आएंगे, आपके राइट लेग को वापस दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। शुरुआत में कई लोग नहीं ला पाते हैं, तो आपका अगर यहाँ पे भी आता है तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे भी ला सकते हो, अन्यथा पूरा पैर यहाँ। इसके बाद दूसरा पैर भी ले आएंगे पादस्थासन, फिर वापस हस्तोत्तानासन और नमस्कार मुद्रा। ये एक पैर से हुआ, इसी को हम दूसरे पैर से भी करते हैं। तो आप इस तरह से शुरुआत में 2 या 4 से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ती है आप इसको बढ़ाकर 12 सूर्य नमस्कार तक ले जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आसन है वो है वृक्षासन, ट्री पोज। ये इससे क्या होता है कि एक तो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है और हमारी पूरी बॉडी का अलाइनमेंट इससे प्रॉपर होता है, तो ये एक अच्छा है तनाव मुक्ति के लिए भी जी। तो इसको करने के लिए क्या होता है, आप शुरुआत में अगर बैलेंस नहीं कर पाते हो तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो, कोई भी दीवार के साथ खड़े होकर, और अगर वैसे ही कर सकते हो तो आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपका एक पैर उठाएंगे और दूसरे पैर के अपर थाइस मसल में पूरा ऊपर की तरफ ले जाकर इसको रख लेंगे इस तरह से, ठीक है, और शुरुआत में दोनों हाथों को धीरे धीरे देख लें कि हाँ मैं बैलेंस हो रहा हूँ, और फिर ऊपर उठाइए धीरे 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 धीरे, और चेहरा बड़ा खुश रहना चाहिए लेकिन, और फिर दोनों हाथों को मिला लीजिए, और फिर आप इसमें जितनी देर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 45 सेकेंड, जितनी देर रह सकते हो रहिए, और फिर धीरे धीरे आराम से सहजता के साथ वापस आ जाएंगे। इसी को फिर दूसरे पैर से भी आप करेंगे जी। ये हमारे खड़े होने वाले 2 आसन हो गए। इसके बाद हम 2 आसन और बैठ के कर सकते हैं, जिसमें पहले हम बैठ जाते हैं दंडासन की स्थिति में, इसको दंडासन बोलते हैं। पहला आसन करेंगे हम वज्रासन का आसन। वज्रासन के लिए करना क्या होगा कि आपको एक एक पैर मोड़ के पीछे की तरफ ले जाना है, और ध्यान रखो जिनको बहुत ज्यादा घुटनों की समस्या हो ना वो अवॉइड करें इस चीज को, या फिर अपने मास्टर, योगा मास्टर हैं उनके गाइडेंस में इसको करें। इस स्थिति में आप बैठकर रहेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगा, इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, और जो नीचे से जो हमारी काप मसल से ब्लड का सर्कुलेशन होता है प्रॉपर ऊपर की तरफ होने लगता है इससे जी। अगर रात के वक्त जैसे लोग खाना खाते हैं और उसके बाद वो बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते, वॉक करने के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लिए शायद ये काफी अच्छा होगा। योग के अंदर जितने भी आसन है ना, उनमें से सिर्फ ये एकमात्र ऐसा आसन है जो तुरंत खाना खाने के बाद या खाना खाते हुए भी कर सकते हैं जी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने इसी तरह से बैठ के उनका सूप वगैरह जो है वो पिया था, वो उनकी जो संस्कृति में है कि ऐसे बैठ के वो खाना खाते हैं जी, यानी कि खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर नहीं जा सकते, कोई रिसर्च के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा एक वैज्ञानिक देश पूरी तरह से इस तरह से भोजन करता है जी। तो ये आसन में आप बैठिए। इसके बाद आप एक कर सकते हो शशांक आसन, ये बहुत अच्छा आसन है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन को मिलता है। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथ ऊपर उठाइए धीरे धीरे, श्वास भरते हुए ले जा सकते हो, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप आराम से आइए, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ इस स्थिति में रुक जाएंगे आके, और हाथों को आप पीछे भी ऐसे ले जा सकते हो, और कुछ देर तक यहाँ रुके रहिए।
और यहाँ रुके रहने के दौरान आप महसूस कीजिए कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह ज़्यादा से ज़्यादा आपके फोरहेड की तरफ हो रहा है, आपके मस्तिष्क की तरफ हो रहा है। और फिर यहीं थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 30 से 45 सेकंड आहिस्ता आहिस्ता बंद आंखों से ऊपर आएंगे, और जब आप उठेंगे तो आप एक एक्सपीरियंस करेंगे कि ब्लड एकदम से नीचे की तरफ रश हो रहा है, आपको फीलिंग होगी वो। तो ये आसन आप कर सकते हो। इसके अलावा लेट कर किए जाने वाला आसनों में एक आसन और हम यहाँ करेंगे, वो है भुजंग आसन और स्नेक पोज, कोबरा पोज। इसके लिए क्या करना होगा, आप अपने पेट के बल लेट जाइएगा, इस तरह से आप लेट जाएंगे और आराम की स्थिति इसमें होती है क्रोकोडाइल पोज, इसको मकरासन बोलते हैं, कि दोनों हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रख लेते हैं, ये आराम की स्थिति है, और दोनों पैर बाहर खुले हुए, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये स्थिति होती है। अब आप जब भुजंगासन की स्थिति लेंगे तो अपने दोनों पैरों को नजदीक लेके आ जाएं, इस तरह से दोनों हाथों को अपनी लास्ट रिब्स के पास में, जो अपने फेफड़े हैं यहाँ पर लेकर आएंगे फसलियों के पास, और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, और सामान्य श्वास के साथ 5 श्वास 10 श्वास 11 श्वास जितना आप रोक सकते हो यहाँ आप रुकेंगे, और अपने कंधों को बाहर खोल के रखेंगे, चेहरा बिल्कुल सहज, और अब आंखें बंद करके आप रुके रहें, और श्वास पर श्वास नियंत्रित गति से चलता रहे आपका। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद आराम से नीचे आ जाएं और फिर से आराम की स्थिति में आ जाएंगे, और इस आसन को आप 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आसन था लास्ट, जो हमने यहाँ करके दिखाया है, और फिर आप बैठ जाएंगे इस तरह से। आसनों के बाद आता है प्राणायाम का नंबर जी। तो प्राणायाम में क्या होगा कि आप 2-3 प्राणायाम आप कर सकते हो, जिनके अंदर पहला आप यौगिक श्वसन करना सीखें, जिसे हम पूर्ण यौगिक श्वसन भी बोलते हैं। आपको करना क्या है कि जब भी आप श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, तो आपने एक दो स्थिति, एक तो आपका आसन स्थिर होना चाहिए जी, और आपका मन आपकी श्वास पर केंद्रित हो और कमर सीधी हो। तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे आप, शुरुआत में सिर्फ अपनी श्वासों का ध्यान करेंगे कि धीरे धीरे मैं श्वास ले रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ, और पूरा ध्यान आपकी श्वास पर रहे जी, और कॉन्सेंट्रेट करें टोटली अपने नासिका छिद्रों पे, और एक भी श्वास आपकी अनुमति के बिना ना तो बाहर आएगी ना भीतर जाएगी, आप पूरी पहरेदारी दे रहे हैं, बस पूरा ध्यान रहे कि मेरा श्वास अंदर जा रहा है और फिर वो श्वास बाहर आ रहा है, और एक महसूस ये करें कि एक प्राण शक्ति अंदर जा रही है और प्राण शक्ति के बाद जो वेस्ट बन रहा है वो मेरा बाहर निकल रहा है। 10 या 11 श्वास का आप डेली करें इसको। इसके बाद आप करें नाड़ी शोधन प्राणायाम जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है, इससे क्या होता है कि हमारी योग में कहते हैं कि हमारे जो प्राणों का प्रवाह होता है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर होता है। अगर कोई भी तनाव या कोई भी बीमारी होती है तभी होती है जब हमारे प्राणों के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो नाड़ी शोधन उन ब्लॉकेज को हटाने के लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम है। करते कैसे हैं, आप सीधे बैठो, आप राइट हैंड से शुरू करेंगे, आप नासिका मुद्रा अपना सकते हो, दोनों फर्स्ट फिंगर्स को अपने थंब के रूट में लगा लें, इस तरह से अपने राइट नोस्ट्रिल यानी कि दाएं नासिका छिद्र को बंद कर लेते हैं इस तरह से। अब बाएं से लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा श्वास आप बाहर छोड़ो, पहले छोड़ दिया, अब बिल्कुल सहजता से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप श्वास भरो अंदर। जब पूरा श्वास आप अंदर ले लेते हो तो आपके जो रिंग फिंगर है सेकंड फिंगर लास्ट से, उसको अपने बाएं नासिका पर लेकर आएंगे और दाएं से पूरा श्वास आप बाहर छोड़ देंगे। जब पूरा श्वास बाहर छूट जाता है इसी को वापस लेंगे यहीं से, आहिस्ता से लेंगे, कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए, फिर अंगूठे से बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। ये हुआ एक राउंड, इस तरह से आप 5, 11 और 21 राउंड तक आप कर सकते हो। आप जब 21 राउंड तक करने लगते हो तो आपको इसके इफेक्ट एक्सपीरियंस होने लगते हैं, आपको अनुभव होने लगते हैं जी। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2-3 मिनट आप कर सकते हो। इसके बाद आता है भ्रामरी, जो सीधा डायरेक्टली स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। भ्रामरी प्राणायाम रिजोनेंस पैटर्न पे है कि ये आपके अंदर वेव्स क्रिएट करता है जब आप इसको करते हो, और आपके जो ब्रेन सेल्स होती है उनको ये एनर्जी देता है। तो इसमें करना क्या होता है, सीधे आप बैठते हैं, आपकी जीभ होती है ना ये, इसको घुमाकर अपर पैलेट की तरफ लगा लेते हैं, जब छोटी सी जीभ लटकती रहती है, मुंह बंद कर लेते हैं, होंठ धीरे से मिले हुए, दांत भी हल्के से मिले हुए,
धीरे से गहरा सांस भरेंगे और जैसे भंवरा गुनगुनाता है ना, उस तरह से आप गुनगुनाएंगे तो आप वाइब्रेशंस फील करेंगे, आपके दांत भी ऐसे किरकिर किरकिर जैसे सर्दी में है ना होते हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं, वो होगा ये। ये एक राउंड हुआ और ऐसे आप 5 से 11 तक कर सकते हो। तो ये अंतिम अभ्यास था इसके अंदर, और इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान में आप श्वास प्रश्वास का ध्यान सबसे बेहतर होता है, और जो हमने शुरू में यौगिक श्वसन में बताया था, सिर्फ आपको श्वास का ध्यान करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है पूरे समय कि मेरा ध्यान सिर्फ श्वास पे ही है, तो इससे आपका ध्यान भी लगना शुरू होगा। और अंत में मैं कहूंगा योग निद्रा आप जरूर करें। योग निद्रा को हम साइकिक स्लीप भी बोलते हैं। योग निद्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप सोते हुए भी जाग रहे हैं। योग निद्रा में जैसे कि आप सोते हो 6 घंटे 8 घंटे तो आपको तब जाके आराम मिलता है, लेकिन अब योग निद्रा आप सही से कर लेते हो तो 30 मिनट की योग निद्रा आपको 4 से 5 घंटे तक का पूरा चार्ज अप कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो योग निद्रा आप शुरू में 5-5 मिनट का ही करके देखिए, आपके पास समय नहीं है 30 मिनट, ठीक है 5 मिनट का एक छोटा कैप्सूल बना लीजिए, वो कीजिए, आपको पक्का आराम मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट योग के थ्रू कैसे हो इसका तनाव का, ये पूरा एक पैकेज है। अगर आप इसको पूरी तरह से करते हैं, साथ ही अपने भोजन का ध्यान रखें, सात्विक आहार लें, कोई तली भुनी चीजों का उपयोग ना करें, फल फ्रूट हैं, दूध हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारें और कम खाएं, तो कम खाओगे ज्यादा जियोगे, ज्यादा खाओगे कम जियोगे। बिल्कुल, और जैसे कि आपने यहाँ पर ये इतने सारे आसन बताए हैं, तो बहुत सारे जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जाहिर सी की बात है यहाँ पर वो काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, आत्मविश्वास से लबरेज कह सकती हूँ कि वो हो गए होंगे इस प्रोग्राम को देखते हुए। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे और भी सवाल थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर समय का भी अभाव है, लेकिन जाते जाते क्योंकि अभी आपने यहाँ पर खाने को लेकर बात की, तो जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं इस वक्त उनको भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ और बता दिया जाए कि किस तरीके की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी डाइट है वो होनी चाहिए, योगा से पहले क्या खाना चाहिए और बाद में क्या खाना चाहिए। देखिए योग का जब आप अभ्यास करते हैं तो योगा करने से पहले लगभग आपको पेट को खाली रखना है जी, है ना, तो सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि आप सुबह उठते ही तो कुछ खाएंगे नहीं, तो सुबह सुबह आप खाली पेट योगा अभ्यास करें और आप सुबह उठ के पानी जरूर पिए। पानी पीने से आपका क्या होता है कि अंदर का क्लेंजिंग अपने आप होने लगता है। दूसरा, योग करने के बाद लगभग 30 से 45 मिनट का आप समय लेके चल सकते हो, उसके बाद आप अपना भोजन ले सकते हो। और मैं कहूँगा कि भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में जी। तो कोशिश करें कि जितना भी प्रोसेसिंग फूड होता है, जो डब्बा बंद फूड जिसे हम बोलते हैं, जो मार्केट में मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है जी। उससे आप बचें, कोशिश करें कि बाजार से ऐसी चीज़ों को लेके आएं जैसे सब्जियाँ ही हैं, तो मौसम वाली सब्जियों को खरीदें, मौसम वाले फलों को खरीदें। ये नहीं है कि आप सर्दियों में आम खरीद के लेके आ रहे हो, वो बेमौसम की चीज है प्रकृति की वो, लेकिन आपको उस टाइम पे वो नुकसान करेगा जी। तो जो प्रकृति के अनुसार जो खाना मिलता है उस पर हम ध्यान दें, फल फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, दूध पिए, तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते तमाम दर्शकों से हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा का।